हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएचएसई साइंस क्लासेस। आज आमे नेक्स्ट पार्ट डिस्कशन करिबा जोथरे कि ना स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बट ताको जिबा आगरु जिमिति तुम मैंने ऑलरेडी बहुत सारा स्टूडेंट जॉइन हो सारे एंड जो मैंने तुम फ्रेंड मैंने अच्छा जो मैंने जाणिना कि फ्री क्लासेस अवेलेबल अच्छे यूट्यूब एंड फॉर सीएचएसई स्टूडेंट्स मानी जो थे ओडिया लैंग्वेज रे एक्सप्लेन कराऊँ सिलेबस को लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी आईटी फ्री ऑफ कॉस्ट सब क्लासेस अवेलेबल अच्छी एंड सिलेबस वाइज गोटे पर गोटे चैप्टर सिक्वेन्सीआली पढ़ा हो तो तुम मैंने तुम फ्रेंड्स मानको सजेस्ट कर ताकि लॉकडाउन रे तार एडवांटेज नहीं कि आगे बढ़े पढ़ी। आज आम स्टार्ट करवा कौन ना अबाउट न्यूक्लिक एसिड। लास्ट क्लास आम कौन डिस्कशन करते ना जेहेतु आम ए मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ुचे। लास्ट क्लास आम डिस्कशन करते जेनेटिक मटेरियल आम क्या कहवा एंड जदि जेनेटिक मटेरियल कह तो तार कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहा दरकार एंड तापर आम देखिले ना मैंने डीएनए ही हूँ जेनेटिक मटेरियल किए कौन कौन प्रूफ देते। तो आज आम कौन डिस्कशन करवा न्यूक्लिक एसिड क्या विषय पढ़वा न्यूक्लिक एसिड विषय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम जहाँ मैंने कौन कौन की नोट्स आम देखा आज फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड कौन जानवा तापर देखिबा ना सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी कौन कहूँ ओके तापर टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड देन आम देखिबा न्यूक्लिक एसिड रो कंपोनेंट्स कौन कौन देन आम देखिबा कौन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए रो स्ट्रक्चर और आरएनए रो स्ट्रक्चर तो प्रथम देख न्यूक्लिक एसिड माने कौन एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड कौन ना गोटे टाइप रो मैक्रो मॉलिक्यूल जमी आम लिविंग बॉडी रे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिसिक ही बॉडी को रेगुलेट करुछंती ना तो दिस आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो मैंने कौन करते जेनेटिक इनफॉरमेशन को स्टोर करते एंड तार मैंने जेनेटिक इनफॉरमेशन ये कंटेन करता है। तो देखो कहीं न्यूक्लिक एसिड एसेंशियल मैंने गोटे स्पीसीज रो कंटिन्यूटी मेंटेन करियार अच्छे मैंने तार किसी कैरेक्टर्स पेरेंट्स रो ऑफस्प्रिंग को जाऊँ हाँ ना ना अगेन सीए से स्पीसीज रो आइडेंटिटी मेंटेन करुच्छे मैंने कौन कहे देख बुझ जितेबाला गोटे स्पीसीज पर्टिकुलर स्पीसीज कथा मुझे स्पीसीज मैंने कौन गोटे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो मैंने कि निज भितर इंटरब्रिट करेंगे बट डिफरेंट स्पीसीज सहित इंटरब्रिट करेंगे ना जेहेतु जो आइडेंटिटी अच्छे किए मेंटेन कर रखुचे ना नेक्स्ट जेनेरेशन मेंटेन कर रखुचे किमी से नेक्स्ट जेनेरेशन को ये ट्रेड्स पास होमें देखिले दिज आर कैरिड बाय द क्रोमोसोम्स एंड जीन कौन कर जीन ही से कैरेक्टर कंटेन कर क्रोमोसोम नहीं कि जाऊँ हाँ ना नहीं तो ये जो न्यूक्लिक एसिड ही हो जो जेनेटिक इनफॉरमेशन जे स्टोर करुच्छे से हूँ किए ना आम न्यूक्लिक एसिड। तो यार न्यूक्लिक एसिड कौन गोटे मैक्रो मॉलिक्यूल जे कि जेनेटिक इनफॉरमेशन कंटेन करता है ओके बुझीगला। तो ये न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल मिसर से केबे मैं जिते बड़े फ्रांको प्रुसियन वॉर चलता फ्रेंच और जर्मन भितर वॉर चलता से जो मैंने जो मैंने जो आर्मी मैन जो योद्धा मैंने कौन करते ना बैंडेज जो फिंगी दौले काढ़ डिस्कार्डेड बैंडेज रू से किसी पस सेल्स आनी फर्स्ट ऑफ ऑल तो से पस सेल्स मैंने कौन व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स तो से पस सेल रू से फाइंड आउट कले ना ये जो मैंने जहाँ मेटेरियल न्यूक्लिक एसिड जहाँ को आज आम कहे से फर्स्ट ना देते कौन न्यूक्लीन इन द ईयर 1869 सी न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लीन बोली ना दे कि न्यूक्लिक एसिड को आइडेंटिफाई करते देन कौन है तापर जिते बड़े एडवांसमेंट है इन द ईयर 1953 रे हमर जो वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जहाँ आज आम देखुचे मैंने वाटसन एंड क्रिक मिसिक डीएनए स्ट्रक्चर को देते बट आगु विलिकिन्स एंड रोजेलिन फ्रैंकलिन मैंने या विषय में नहीं कि मैंने एक्सपेरिमेंट्स बट जेहेतु रोजेलिन फ्रैंकलिन डेथ हो गला एंड नोबेल प्राइज डेथ पर दि जाए सो बाकी तीन टा साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दि जाइला बुझी एंड देख फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड मैंने कौन बुझल सिंपली ये हूँ गोटे मैक्रो मॉलिक्यूल एंड आम न्यूक्लिक एसिड को कौन कहे न्यूक्लिक एसिड होची ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स
काहेकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहूँ ये जेहेतु गोटे मैक्रोमोलिकल ये किसी सिंपलर मोनोमर्स या तो न्यूक्लिक एसिड कहीं न्यूक्लिक एसिड या छोट छोट मोनोमर्स जमी आम जाने मोनोमर्स गुड़ा जोड़े पॉलीमर तैयारी हुए मुझे कौन कहली न्यूक्लिक एसिड हूँ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स तेणु तक आम कहे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स तो जेहेतु ये हूँ कौन न्यूक्लियोटाइड से तैयारी न्यूक्लियोटाइड हूँ मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड बुझेगा तो न्यूक्लिक एसिड आम अच्छे दुई प्रकार कौन कौन अच्छे गोटे हूँ आरएनए आ गोटे हूँ डीएनए ओके सेंट्रल डॉग्माटा मुझे बड़े यार कंपोनेंट्स कहबी तापर मुझे कहबी सेंट्रल डॉग्मा थ्योरीटा ठीक अच्छे तो देख फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी आइडिया है ना न्यूक्लिक एसिड रो दी प्रकार अच्छे गोटे अच्छे आरएनए आ गोटे अच्छे डीएनए तो डीएनए जो अच्छे आमर प्रत्येक लिविंग बींग रे आम जो जेनेटिक मटेरियालटा रोचे से किए क्यारी कर डीएनए हाँ कि ना एंड आम लास्ट क्लास में देखिले ना डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल बोली प्रूफ भी कर बहुत सारा साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली हाँ कि ना तो देख तो ये जो आरएनए रे काम कौन था मैंने कौन था डीएनए जदि जेनेटिक इनफर्मेशन क्यारि कला तो न्यूक्लिक एसिड खाली डीएनए रहा कथा बट आरएनए रो रोल कौन आरएनए रो जेनेटिक फंक्शन अच्छी नॉन जेनेटिक फंक्शन अच्छे किंतु जेनेटिक फंक्शन टा यार माने यूकेरियोट्स रे नहीं कि सब प्रोकैरियोट्स रे मध्ये नहीं सिंपली कोठी अच्छी किसी वायरसेस जहाँ को आम कहे रिट्रोवायरसेस कौन कहे आम रिट्रोवायरसेस माने एमाने होचंदे आरएनए कंटेनिंग वायरसेस आरएनए होचे जेनेटिक मटेरियल बुझे होचे बाकी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इवन इन द बैक्टीरिया आल्सो आमर जो जेनेटिक मटेरियल से कौन ना होचे डीएनए तो यूकेरियोट्स रे कौन हुए जेनेटिक मटेरियल टा न्यूक्लियस रे थाए एंड से कवर हेथाय बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट आमर प्रोकैरियोट्स रे जेनेटिक मटेरियल टा कवर ही न थाए बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तेणु आम कहे प्रोकैरियोट्स कहे यूकेरियोट्स हाँ कि ना तो देख तो मुझे कहली किसी वायरसेस मोस्टली एनिमल वायरसेस एग्जांपल के देख रिट्रोवायरसेस टोबाको मोजाइक वायरस गोटे एग्जांपल एंड आमर जो एड्स कजिन वायरस हूँ एच आई वी वायरस हूँ एग्जांपल ऑफ रिट्रोवायरस ओके तो देख ये जो दी प्रकार न्यूक्लिक एसिड अच्छे एटा हेगला जेनेटिक फंक्शन ऑफ आरएनए तो नॉन जेनेटिक फंक्शन कौन कौन एटा बुझापाई हेले आमको फर्स्ट देखा पड़ो ना सेंट्रल डॉग्मा कौन ओके तो सेंट्रल डॉग्मा कौन कहे देख सेंट्रल डॉग्मा देते कि जिते बड़े से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देते डीएनए रहा डीएनए डबल आज जहाँ आम देखुचे डीएनए रक्चर से किए थे वॉटसन एंड क्रिक तो से कौन कही ना गोटे देते कौन ता ना हूँ सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी तो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी कौन कहे ना केमी जेनेटिक इनफर्मेशन पास हुए इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम बुझे तो सेंट्रल डॉग्मा कौन कहे सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी ओके तो ये कौन कहे जेनेटिक इनफर्मेशन केमी पास हुए इन ए बायोलोजिकल सिस्टम आम जान लें डीएनए कंटेन करुच्चर जेनेटिक इनफर्मेशन एंड से जेनेटिकटा अल्टीमेट मैंने से जो जेनेटिक इनफर्मेशन टा प्रोटीन है एक्सप्रेस हो हाँ कि ना डायरेक्टली डीएनए तो एक्सप्रेस हो जाने ना डीएनए तो चेंज कर अल्टीमेटली प्रोटीन तैयारी करुच्चे जी की कंट्रोल करुच्चे वेरियस फंक्शंस हाँ ना तो ये केमी इनफर्मेशन टा पास हो तो फर्स्ट हूँ से कौन कहले ना डीएनए जो था जेनेटिक मेटेरियल सीए प्रथमे तार कॉपी गोटे किए निए आरएनए आरएनए रु जाए कि कौन हुए प्रोटीन्स तैयारी हुए माने ये कौन कहला डीएनए जो अच्छे डीएनए माने डीएनए जहाँ इनफॉरमेशन रखी डीएनए जहाँ भी इनफॉरमेशन स्टोर कर रखी जेनेटिक इनफॉरमेशन तार गोटे कॉपी किए नेला आरएनए एंड से आरएनए देन कौन कला प्रोटीन तैयारी करिवरे से ताको
मैंने को प्रोटीन कौन तैयारी हे से इनफर्मेशन टा आरएनए जाए प्रोटीन तैयारी कला कहाँ से हेल्प रे आम प्रोटीन फैक्ट्री आम क्या कहे राइबोसोम तो राइबोसोम हेल्प रे आरएनए कौन कला प्रोटीन तैयारी कला बुझेगा सेंट्रल डॉग्मा कौन कौन एंड देखो आमर जो रिट्रोवायरस अच्छी केस रे कौन हुए ना आरएनए टा थाय जेनेटिक मटेरियल तो फर्स्ट आरएनए रु माने आरएनए टा कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए तैयारी करे देन डीएनए टा माने आरएनए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए तैयारी करे तापर जेमती नॉर्मल प्रोसीजर डीएनए रु एमआरएनए एमआरएनए रु प्रोटीन्स तैयारी हुए तो वायरस रिट्रोवायरस रे कौन हुए तंकर गुटे एंजाइम थाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कौन थाय रे एंजाइम टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कौन करे वो ए जो आरएनए जहाँ जेनेटिक मटेरियल अच्छे रिट्रोवायरसेस रे सी कन्वर्ट कर आरएनए को डीएनए रे बुझेगा देन डीएनए टा कौन हम जो वायरस वायरल डीएनए वायरल वायरस तो निजे निजे मल्टीप्लिकेशन करूनी रिट्रोवायरसेस तार जी मैं तार जो डीएनए अच्छे सॉरी तार जो आरएनए टा अच्छे से कौन कला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज साहाज्य से कन्वर्ट करदेला डीएनए रे डीएनए टा एबे से इंजेक्ट करदेब इन टू द होस्ट बॉडी माने होस्ट जीनोम रे वायरल जीनोम टा मिसि जीव तापरे कौन हम सी तैयारी करबो नॉर्मल प्रोसेस आरएनए प्रोटीन ये कि से तापरे मल्टीप्लाई करबो बुझिहला कोन कहली देखो रिपीट कर दो छी यदि कन्फ्यूजन हो छी रिट्रोवायरसेस होची से वायरसेस जे कि जहाँ जेनेटिक मटेरियल थाए कौन आरएनए बाकी मोस्ट बाकी सब जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहिला समस्त जेनेटिक मटेरियल होची डीएनए क्लियर तो आरएनए जो अच्छी आम सेंट्रल डॉग्मा कौन कहे डीएनए टा आरएनए तैयारी करुचे माने डीएनए रे जो जेनेटिक इनफर्मेशन टा अच्छी तार कॉपी आरएनए नौचे आरएनए कौन करुचे प्रोटीन तैयारी करुचे विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम बट रिट्रोवायरस से तो डीएनए ना ही ना ता पाखरे कौन अच्छे आरएनए अच्छे तो से कौन करे आरएनए को कन्वर्ट करे इनटू कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए डीएनए रे चेंज करे यूजिंग कौन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करे बुझेला तापरे ए जो डीएनए टा को से इंजेक्ट कर दबा इंसर्ट कर दबा इनटू द होस्ट डीएनए तो होस्ट डीएनए वायरल डीएनए मिसि की जमती मैंने होस्ट डीएनए रो कंपोजिशन चेंज करदे अभी तो सी तार डीएनए सहित निजक रिप्लिकेट कर मैंने होस्ट डीएनए रिप्लिकेट हम एंड वायरल डीएनए रिप्लिकेट हम अल्टिमेटली तार आरएनए तैयारी हम देन प्रोटीन तैयारी हम बुझेगा सो यहाँ था सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी मु कहीं यहाँ कहली ना आरएनए रो जो नॉन जेनेटिक फंक्शन टा बुझाप हेल्प हम आरएनए रो नॉन जेनेटिक फंक्शन कौन आम आरएनए अच्छे तीन प्रकार कौन कौन आरएनए अच्छी गोटे हूँ आम एमआरएनए आ गोटे अच्छे आमर आर आरएनए आ गोटे अच्छे आमर टी आरएनए ओके तो ये जो एमआरएनए रो काम हूँ यहाँ जे कि गोटे कॉपी नबो जेनेटिक इनफर्मेशन जहाँ डीएनए रे अच्छे तार गोटे कॉपी नबो ये किए नबो एमआरएनए मोर स्पेसिफिकली जी कह एमआरएनए देन आर आरएनए रो काम कौन आर आरएनए मान एमआरएनए को कौन कह जाए मेसेंजर आरएनए आर आरएनए मान राइबोसोमल आरएनए यार काम हूँ कौन आर आरएनए किसी प्रोटीन सहित मिसे से तैयारी कर राइबोसोम जिकि हूँ प्रोटीन फैक्ट्री प्रोटीन तैयारी करुचे ओके तो तापर रहिला कौन टी आरएनए तो ये टी आरएनए रो काम हूँ कौन ना ये जो एमआरएनए आसला ताकू ये मैं टी आर एमआरएनए को राइबोसोम सहित जोड़ काम हो ट्रांसफर करम हो टीआरएनए तेणु ता ना हो ट्रांसफर आरएनए बुझेगा तो आम एटा थिला जनरलाइज आइडिया अबाउट डीएनए एंड आरएनए मैं कौन तर फंक्शन डीएनए रंक्शन तो आम जाने कौन ना से जेनेटिक इनफर्मेशन स्टोर करुच्छे तो अल्टिमेटली डीएनए ही तो जी कि कौन करुच्छे ना फंक्शनालीटी अफ ए सेल मैं सेल्र फंक्शनालीटी को रेगुलेट करुच्छे बुझेगा एंड आम जो स्पीसीस कंटिन्यूटी मेंटेन होगी अच्छी बिकॉज़ ऑफ़ जेनेटिक इनफर्मेशन ओनली हाँ ना नहीं तो देखो नेक्स्ट आम देखा कौन ना कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आपको भले बुझाप चेस्टा कर बिकॉज़ सिंपल अच्छी बट ध्यान दे कि बुझे देन आराम से बुझेब ओके देन देखा कौन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड रो बेसिकली जदि हमें देखिबा तीनटा कंपोनेंट थाए आइदर से डीएनए हो और आरएनए हो ओके तो मु फर्स्ट कौन कहितली न्यूक्लिक एसिड हो जे हमर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हमें ता कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहू छे बिकॉज़ तार मोनोमर के
न्यूक्लियोटाइड्स बुझेला माने न्यूक्लियोटाइड्स गुडा मिसी तयारी करचंदे न्यूक्लिक एसिड तो न्यूक्लिक एसिड हमर कोन हला पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्लियर तो एबे हमें देखो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड माने हमें कहार कंपोनेंट्स पड़ुचे न्यूक्लियोटाइड्स जो तैयारी होची मोनोमर जोटा की तो न्यूक्लियोटाइड्स केमिति फॉर्मेशन होची हमें एबे देखिबा ओके तो फर्स्ट देखो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड आमर बेसिकली तीन टा जिनस या गोटे हूँ आमर कौन नाइट्रोजिनस बेस ओके फर्स्ट सुगर लिखीद पेंटोज सुगर जो लिख गोटे फाइव कार्बन सुगर या आम कहीपर पेंटोज सुगर ओके आउ कौन थाए आउ गोटे थाए जोटा हूँ नाइट्रोजिनस बेस देन थर्ड हूँ फॉस्फोरिक एसिड ओके ये स्पेस कहीं छाड़ी किसी इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन ता विषय तुमको कहबी देखो तो फर्स्ट हूँ कौन सुगर सुगर माने देखो आम पढ़ी डिफरेंट टाइप कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा तो फाइव कार्बन कार्बोहाइड्रेट जोटा कि हूँ कौन ना राइबोज सुगर था न्यूक्लिक एसिड गोटे हूँ राइबोज आ गोटे हूँ डीऑक्सीराइबोज तो सुगर कौन कौन था आइदर थी आमर राइबोज सुगर और थी डीऑक्सी राइबोज ओके तो देखो यार जो स्ट्रक्चर था कहीं राइबोज कहले डीऑक्सीराइबोज कहले यार स्ट्रक्चर देखले बुझा पड़ जाए जेहेतु ये कहली कौन ना फाइव कार्बन कार्बोहाइड्रेट बुझेगा जेहेतु ये फाइव कार्बन कंपाउंड टा यार स्ट्रक्चर टा था एमती ओके तो यहाँ हूँ ओएच एच एच OH, H, OH, CH2, OH, it remember H. It has a ribose. Deoxyribose structure kona? देखो एटा को हमें कहले एक नंबर कार्बन वन कार्बन एटा हूँ टू थ्री फोर फाइव इलेवेन्थ क्लास रे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रे तुम्हें पढ़ी थी ना हमें कार्बन चेन माने कार्बन्स को एमती चेन फॉर्म रे भी लिखू हाँ कि नहीं एंड आमर कार्बोहाइड्रेट जो अच्छी से साइक्लिक कंपाउंड्स मध्ये तैयारी करुचे तो एटा हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज जोटा कि डीऑक्सीराइबोज एटा ओके तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज रे डिफरेंस कौन देख यहाँ वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन ये डॉट जैक हूँ कार्बन आइटम वन टू थ्री एटा फोर एटा हूँ फाइव ओके वन टू थ्री फोर फाइव तो देख ये जो सेकेंड कार्बन आइटम रे एटा हाइड्रोजन जो ग्रुप ग्रुप अच्छी ये कौन अच्छी ओ एच ग्रुप अच्छी डीऑक्सीराइबोज था आमर डीएनए रे डीएनए रो फुल फॉर्म कौन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए रो राइबोन्यूक्लिक एसिड जेहेतु हमें ताको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहूचे डीएनए रे कौन थाए ना डीऑक्सीराइबोज सुगर थाए डीऑक्सीराइबोज कहेंगे ना ये देख गोटे ऑक्सीजन आइटम टा ये अच्छे राइबोज रे बट डीऑक्सीराइबोज रे ना एंड एटा ही प्रोवाइड करुचे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या डीएनए को एंड आम राइबोज रे कौन है यहाँ सेकेंड कार्बन यहाँ हूँ थर्ड कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन अच्छे दुईटी आम दुईटा आम ओ एच ग्रुप अच्छे मोर इज द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप
मोर इज द रिएक्टिविटी। तो ये मोर रिएक्टिव देन डीएनए। आमे कौन पढ़ी ना जेनेटिक मटेरियल केते बड़े स्टेबल बोली कहले जिते बड़े तार कौन हुए ना स्टेबिलिटी अधिक ताको आमे माने जेनेटिक मटेरियल रो जेनेटिक मटेरियल शुड बी मोर स्टेबल। तो आरएनए हम जेनेटिक मटेरियल ना डीएनए हम जेनेटिक मटेरियल से डिलेमाटा केते बड़े सॉल्व होगा जिते बड़े स्ट्रक्चर तो जना पड़गला। तो देखिले कौन ना राइबोज सुगर रे दुटा ओएच ग्रुप अच्छी डीऑक्सी राइबोज रे गोटे ओएच ग्रुप अच्छी थर्ड कार्बन रे एंड टू कार्बन रे ओएच जगह रे माने ऑक्सीजन ओएच जगह रे हाइड्रोजन आटम अच्छी। तो से कौन कहले ना डीएनए इज मोर स्टेबल देन द आरएनए। बाकी सब स्ट्रक्चर समान अच्छे देखो खाली सेकेंड कार्बन रे ओएच अच्छी ये अच्छी एच बुझेगा। यहाँ हूँ राइबोज सुगर यहाँ हूँ डीऑक्सी राइबोज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जाए कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड तैयारी ही नहीं गोटे कंपोनेंट तरह कह मैंने गोटे पार्ट तरह कह गोटे कौन था नाइट्रोजिनस बेस। कौन था नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस आम दुई प्रकार थी गोटे हूँ प्यूरीन आ गोटे हूँ पाइरिमिडिन। ओके गोटे हूँ प्यूरीन आ गोटे हूँ पाइरिमिडिन। तो प्यूरीन आउ पाइरिमिडिन डिफरेंस कौन तो प्यूरीन रे कौन हुए देखो प्यूरीन टा हमरो डबल्स दीटा साइकिल कंटेन करथिबो। साइकिल कौन ना हमरो जो ये दीटा जाको प्यूरीन एंड पाइरिन होचंती एरोमेटिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रे पढ़िथिबो एरोमेटिक कंपाउंड विषय हो ना मोस्टली बेंजीन रिंग गोटे कंटेन करथाय से। तो ये होची हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड ए माने कौन नाइट्रोजन कार्बन रो साइक्लिक स्ट्रक्चर था ये कंटेन करता है दुटा साइक्लिक स्ट्रक्चर बट पाइरिडिन रे गोटे साइक्लिक स्ट्रक्चर था। ओके तो फर्स्ट पॉइंट बुझेला ये कंटेन्स वन सीएन रिंग स्ट्रक्चर ये कंटेन करता है कौन ए सॉरी ये कंटेन करता है टू रिंग स्ट्रक्चर। पाइरिमिडिन रे था वन कार्बन नाइट्रोजन रिंग स्ट्रक्चर। देन देखो प्यूरीन रे कौन ही था ना नाइट्रोजन आटम जो लगी था से हेट्रोसाइक्लिक रिंग को नाइट्रोजन आटम को पोजिशन लगी था 1 3 7 9 बट एटी ओनली 1 and 3 पोजिशन रे बुझेगा। नेक्स्ट डिफरेंस कौन ना प्यूरीन आमर कौन कौन टाइप रे अच्छे गोटे अच्छी एडिनाइन आ गोटे अच्छी गुआनाइन। ओके आमर जो पाइरिमिडिन अच्छी से आमर अच्छे यूरासिल थायमिन आ गोटे अच्छी कौन साइटोसिन। ओके सो देखो प्यूरीन होची कौन एडिनाइन गुआनाइन दीटा ही माने प्यूरीन अच्छी पाइरिमिडिन किंतु तीनटा अच्छी यूरासिल थायमिन साइटोसाइन। बट आम जो डीएनए रे कौन कौन था थायमिन थाए आउ साइटोसिन थाए। आरएनए रे कौन था थायमिन जगह रे थायमिन को रिप्लेस करे यूरासिल बुझेला। डीएनए रे केबे मध्य यूरासिल नथिबो एंड आरएनए रे केबे मध्य थायमिन नथिबो बुझेला ना। तो थायमिन को रिप्लेस किए करे यूरासिल। एक्चुअली सेमती बुझे बुझ खाली ये कि मैंने आरएनए रे कौन हुए थायमिन को रिप्लेस करे किए यूरासिल एंड डीएनए रे यूरासिल न था यूरासिल जगह किए था थायमिन था। ओके बुझेगा तो ये प्यूरीन एंड पाइरिमिडिन्स। तो देखो एडिनाइन अलवेज पेयर कर विथ थायमिन जदि डीएनए रे हम आरएनए रे एडिनाइन पेयर कर विथ यूरासिल हाँ ना नहीं गुआनाइन अलवेज पेयर कर क्या सहित साइटोसाइन सहित बुझेगा। ओके तो देखो प्यूरीन आउ पाइरिमिडिन आउ स्ट्रक्चर तो मुझे करदे ताकि तुम आउ क्लीयरली बुझ सपोज एटा हूँ आमर प्यूरीन स्ट्रक्चर पाइरिमिडिन हूँ एमती स्ट्रक्चर एटा हूँ नाइट्रोजन आटम एटा वन कार्बन टा। ओके सो 2 3 4 5 6 ये था आउ गोटे नाइट्रोजन थर्ड कार्बन रे
देखो कन्फ्यूजन हम फर्स्ट एंटी कर ये हला हमरो नाइट्रोजन इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके तो देखो एबे एठी गुटे नाइट्रोजन 1 रे थिबो मु कोन कहली 1 3 7 9 रे थाय एठी गुटे नाइट्रोजन थिबो थर्ड कार्बन 7 पोजीशन रे गुटे नाइट्रोजन थिबो 9 पोजीशन रे गुटे नाइट्रोजन थिबो ओके तो ए जो एटा होचे माने पाइरिमिडिन रो स्ट्रक्चर टा माने प्यूरिन रो माने स्ट्रक्चर टा पाइरिमिडिन रो स्ट्रक्चर होचे कोन देखो एटा होचे 1 नाइट्रोजन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 ओके तो यार मध्ये गुटे थाए वन नंबर कार्बन नाइट्रोजन गोटे थाए थर्ड कार्बन रे आउट नाइट्रोजन थाए एंड डबल बॉन्ड थिबो हला 1 2 3 4 5 6 तो देखो पाइरिमिडिन होची सिंगल स्ट्रक्चर ना सिंगल साइक्लिक स्ट्रक्चर ना सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कंटेन करची बट हमरो प्यूरिन रे अछि दीटा रिंग स्ट्रक्चर बुझेला तो देखो एटा तो हेगला कोन नाइट्रोजिनस बेस तो नेक्स्ट देखो आउ गोटे जिनस कोन थर्ड कंपोनेंट होची फास्फोरिक एसिड फास्फोरिक एसिड रे कोन फार्मूला देखो फास्फोरिक एसिड होची एटी कर दोची पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ एच बुझेला एटा होची फास्फोरिक एसिड एटी आउटर क्लियरली कर दोची पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ एच सो एबे कोन क्वेश्चन आस्तबो ना हाउ द तीनटा कंपोनेंट किमिति लिंक हि जांदी एटा तो हम पढ़ी अलग अलग तो न्यूक्लियोटाइड आम क्या कहवा है ना तो न्यूक्लियोटाइड ये सब तीन टा कंपोनेंट मिसिले ही आम कह न्यूक्लियोटाइड बुझी कौन कहली आपको आम न्यूक्लियोटाइड्स कहानी जिते बड़े तीन टा जो कंपोनेंट कंबाइन होते कह न्यूक्लियोटाइड एत क्लीयर है देख तो न्यूक्लियोटाइड के देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट कर तो न्यूक्लियोटाइड जो फॉर्मेशन हम नाइट्रोजिनस बेस राइबोज सुगर को अटैच हम फॉस्फोरिक एसिड अटैच हम किमती अटैच हो देख फर्स्ट देख आम जो स्ट्रक्चर टा मु फर्स्ट डीएनए को लेकिन बुझाऊँ डीऑक्सी राइबोज स्ट्रक्चर एंड मुझे कमी न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होके okay? एटा हूँ पेंटोज सुगर टा ओके okay? इटा क्या कौन डीऑक्सीराइबोज ना राइबोज जेहेतु सेकेंड कार्बन हूँ ये फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन सेकेंड कार्बन रे ऑक्सीजन ना ही तो ये हूँ आमर डीऑक्सीराइबोज है ना इबे कौन हम देखो ये हूँ थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन फिफ्थ कार्बन तो ये जो ओएच टा अच्छी ओएच प्लस आम नाइट्रोजिनस बेस पढ़ले आम नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन कही गोटे हूँ प्यूरीन आ गए पाइरिमिडिन तो नाइट्रोजिनस बेस टा आसिक लग सिंपली बेस लिखिली तो ये जो बॉन्ड टा ये बॉन्ड जो या जेकोसी गोटे कंपाउंड जो लिंक हुए से कहीं लिंक हुए गोटे केमिकल बॉन्ड थ्रो रू ना तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है बिटवीन द नाइट्रोजिनस बेस एंड द राइबोज सुगर या ना हो चाहिए कौन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड एटी कौन हुए गोटे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुए तो
ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟୁରିନ୍ ଆଉ ପାଇରିମିଡିନ୍ ଅଛି ସେ କାହା କେମିତି ଲିଙ୍କ ହବ? ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ୱାନ୍ କାର୍ବନ, ଯଦି ପ୍ୟୁରିନ୍ ଅଛି, ପ୍ୟୁରିନ୍ର ୱାନ୍ ନାଇନ୍ ମାନେ ନାଇନ୍ ନମ୍ବର କାର୍ବନଟା ଯୋଡ଼ି ହବ ୱାନ୍ କାର୍ବନ ସହିତ। ଯଦି ସେ ପାଇରିମିଡିନ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ପାଇରିମିଡିନ୍ର ୱାନ୍ କାର୍ବନ ୟାର ୱାନ୍ କାର୍ବନ ଲିଙ୍କ ହେବେ, ବୁଝିହେଲା। ଆଣ୍ଡ ସେ ବଣ୍ଡ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ରେ ପଚାରିବ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ସେ, ତେଣୁ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡଟା ତିଆରି ହେଉଛି ବିଟୱିନ୍ ଦ ନାଇଟ୍ରୋଜିନସ୍ ବେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇବୋଜ୍ ସୁଗର ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ଲାଇକୋସାଇଡିକ୍ ବଣ୍ଡ, ଓକେ। ଦେନ୍ କ'ଣ ହୁଏ, ଏବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତିଆରି ହେଲା ବେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁଗର, ଆମେ ୟାକୁ କହୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍। କ'ଣ କହୁ ଆମେ ତାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍। ତାହେଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସ କ'ଣ ହଁ ନା ନାଇଁ, ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ଏବେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, ରାଇବୋଜ୍ ସୁଗର ଅଛି, ନାଇଟ୍ରୋଜିନସ୍ ବେସ୍ ଅଛି, ତ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ରେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଆଡ୍ ହେଇଯାଏ କେଉଁଠି, ଫାଇଭ୍ କାର୍ବନ୍ରେ, ଫାଇଭ୍ କାର୍ବନ୍ କେଉଁଟା, ଏଇଟା ଫାଇଭ୍ କାର୍ବନ୍, ତ ଏଇ ଫାଇଭ୍ କାର୍ବନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଆଡ୍ ହେଇଯାଏ ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଆମର ତିଆରି କରେ କ'ଣ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍। ତାହେଲେ ଏବେ ଅଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍। ହଁ, ତ ଫସ୍ଫୋରିକ୍ ଆସିଡ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହିଥିଲି, ପି ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ଓ ଓ ଏଚ୍ ଓ ଏଚ୍ ଓ ଏଚ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଓ ଏଚ୍ଟାରୁ ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ ହବ, ୟାର ଓ ଏଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୟାର ଏଚ୍, ଓ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଚ୍ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ, ୱାଟର୍ ମଲିକୁଲ ନା, ମାନେ ଏଇଟା ତ ପଢି ପଢି ଆସିଥିବ ଛୁଆବେଳୁ, ଓ ଏଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଚ୍ ମିଶିଲେ ୱାଟର୍ ତିଆରି କରିବ। ସୋ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଦେଖ ଏଇ ଓ ଏଚ୍ ଆଉ ୟାର ଏଚ୍ ମିଶିବେ, ଏମାନେ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବେ, ଏଇଠି କ'ଣ ହବ ନା, ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଆଡ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ୟାର ଫାଇଭ୍ କାର୍ବନ୍ରେ ଆଡ୍ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡଟା ତିଆରି ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ ବଣ୍ଡ, ତ ଫସ୍ଫୋ ଡାଇଷ୍ଟର୍ ବଣ୍ଡ ହୁଏ ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ରେ। କାହିଁକି ଫସ୍ଫୋ ଡାଇଷ୍ଟର୍ ବଣ୍ଡ କହୁଛେ ଆମେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡର ନାଁ ହେଉଛି ଫସ୍ଫୋ ଡାଇଷ୍ଟର୍ ବଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ସହ ଜଏନ୍ ହବ। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ତ ପୁରା ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଆସିଡ୍ ତିଆରି କରିଦେଉନି ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି କେତେଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ମିଶିକି ସମ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଶନ୍ତି, ଓକେ। ତ ଦେଖ କିଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସ ମିଶିକି ଆମର ତିଆରି କରିବେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଆସିଡ୍, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସ ମାନେ କମ୍ବାଇନ୍ ହେବେ, ସେ ପୁଣି କେମିତି କମ୍ବାଇନ୍ ହେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫସ୍ଫେଟ୍ ମଲିକୁଲ ଅଛି ଇଏ ଏଗେନ୍ ଜଏନ୍ କରିବ ଥାର୍ଡ କାର୍ବନ୍, ମାନେ ନେକ୍ସଟର ମାନେ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ର, ମାନେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଦେଖ, ଓକେ ଏତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୋଟ୍ କର, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଦେଖିଲେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଆଇଡିଆ ହେଇଯିବ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କେମିତି, ଓକେ। ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍, ଦେନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ସପୋଜ୍ ୱାନ୍, ଏଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ହେଉଛି ଟୁ। ଯେଉଁଠି ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇବୋଜ୍ ସୁଗର୍ଟା, ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ବେସ୍, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍, କ୍ଲିଅର୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜିନସ୍ ବେସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଇବୋଜ୍ ସୁଗର୍ଟା, ସରି ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋଜ୍, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାହିଁ ନା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ, ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋଜ୍ ହବ। ତ ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋଜ୍ ସୁଗର୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜିନସ୍ ବେସ୍, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଯେଉଁଟା, ଏବେ ଏଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଗୋଟେ, ହଁ ନା ନାଇଁ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ୍ରେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫସ୍ଫୋ ଇଷ୍ଟର୍ ବଣ୍ଡ, ତ ଫସ୍ଫୋ ଡାଇଷ୍ଟର୍ ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ କାର୍ବନ୍, ହଁ ନା ନାଇଁ, ୱାନ୍ କାର୍ବନ୍ ଏଇଟା, ଟୁ କାର୍ବନ୍ ଏଇଟା, ଥାର୍ଡ କାର୍ବନ୍ ଏଇଟା, ତ ଥାର୍ଡ କାର୍ବନ୍ରେ ଯେଉଁ ଓ ଏଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଅଛି ଇଏ ୟା ସହିତ ମିଶିକି କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ମଲିକୁଲ୍ ରିଲିଜ୍ କରିବ, ବୁଝିହେଲା।
तो देखो कौन हैला एटी वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन तो गोटे कार्बन थर्ड कार्बन रे जी अच्छी सी लिंक हैला कहाँ सहित नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड रो फास्फेट ग्रुप सहित जोटा अटैच है कौटी को ना यहाँ हूँ फाइव कार्बन टा तो फाइव कार्बन टा लिंक हैला टू द थ्री कार्बन तो ये या कौन फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड जोटी आम दुईटा न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होती ओके एंड ए बॉन्ड टा कौन आम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बुझेला तो इमिति कौन हुए ना न्यूक्लियोटाइड गोटे परे गोटे माने ये या को लिंक हला से आ गोटे को लिंक हबो इमिति लिंक हे कि से माने कौन तैयारी करिवे ना गोटे न्यूक्लियोटाइड चेन तैयारी करिवे बुझेला क्लियर तो देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड चेन तैयारी हला एटा हो तरह डीएनए रो प्राइमरी स्ट्रक्चर बुझेला तो डीएनए रे कौन कौन थाए देखो डीएनए रे थाए गोटे होचे हमरो डीऑक्सीराइबोज सुगर नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन थी एडिनाइन गुआनाइन थायमिन साइटोसिन एनी वन ऑफ दिस एकाथरे सब जाक रही कौटार गोटे ये जो बेस लिखेनि आइदर एडिनाइन और गुआनाइन और थायमिन और साइटोसिन बुझेला देन ये दुटा मिसले ता सहित गोटे मिसिब फॉस्फेट ग्रुप ओके तो या सहित तैयारी हम आम कौन डीएनए आरएनए रे कौन हम आरएनए रे खाली एति के डिफरेंस एटा हेगला डीएनए रे आरएनए रे कौन हुए यूरासिल थिबो कहा जगह रे इन प्लेस ऑफ थायमिन और सुगर राइबोज सुगर थी बुझेला ना क्लियर इतनी ओके तो यहाँ है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बट कौन प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्चुअली आम फर्स्ट भावुली कौन ना डीएनए हूँ सिंगल स्टैंडर्ड बोली तापर जना पड़ा कौन एक्चुअली डीएनए हूँ डबल स्टैंडर्ड यहाँ किए दे वॉटसन एंड क्रिक वॉटसन क्रिक मॉडल तारो कौन कौन पोस्टुलेट्स अच्छे आम नेक्स्ट डिस्कशन करापर आम बुझे ना आरएनए रो माने टीआरएनए रो स्ट्रक्चर कौन आरआरएनए आ सब विषय में पढ़ा बुझेगा तो देखो फर्स्ट देखो वॉटसन क्रिक मॉडल कौन कहूँ यहाँ है प्राइमरी स्ट्रक्चर से वॉटसन क्रिक देखे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो से कौन आम ए देखा फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करो ये देखो वॉटसन एंड क्रिक दे थी थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ओके तो से कौन कहले किसी पोस्टुलेट्स मैंने किसी पोस्टुलेट्स मैंने किसी पॉइंट्स आम देखा जहाँ डिस्क्राइब कर डीएनए स्ट्रक्चर केमती से कौन एक्सप्लेन करते बुझा तो फर्स्ट से कौन कहले डीएनए कनसीस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से कौन कहले डीएनए दुटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कंटेन करे ट्विस्ट है एंड कॉइल होता है कॉमन एक्सिस तो सर स्पाइरली ट्विस्ट होता है एंड कौन कॉइल होता है अराउंड ए कॉमन एक्सिस तो यहाँ हूँ सपोज आम इमेजिनरी एक्सिसटा ओके तो सी कौन राइट हैंडेड मानने रोटेट करल करें आम दुईटा रोटेसन अच्छे गोटे एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज तो ये राइट हैंडेड रोटेसन करना तो आउ कौन देख ना ये डीएनए स्ट्रक्चरटा अच्छे ये डबल मानने दुईटा पॉलीपेप्टाइड दुईटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आम एटा गोटे चेन एटा गोटे चेन बा गोटे स्ट्रैंड एटा गोटे स्ट्रैंड तो ये जो स्ट्रैंडटा अच्छे आम ये कौन डब मैंने कॉइल होकर स्पाइरली कॉइल होकर सी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या बुझेगा तो आम डीएनए मध्य बहुत प्रकार अच्छे जे डीएनए बी डीएनए ए डीएनए तो ह्यूमन बीइंग जो डीएनएटा अच्छे ना हूँ बी डीएनए मन रखे तो इम्पोर्टेंट ह्यूमन बीइंग डीएनए को टाइप डीएनए बी डीएनए जहाँ कि सब पोस्टुलेट्स ओके मैं जहाँ स्ट्रक्चरटा एमती
तो देखो नेक्स्ट से कौन कहले ना टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल या अर्थ कौन आम देखिले कौन ना जितेबले आम न्यूक्लियोटाइड्स को जॉइन करुले गोटे थी आम थ्री प्राइम थर्ड कार्बन आ गोटे फाइव कार्बन जो मैंने लिंकिंग या करुले हाँ ना तो गोटे स्ट्रैंड जदि फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम हुए हाँ थ्री प्राइम हुए तो आउ गोटे स्ट्रैंड टा आमर कौन हम थ्री प्राइम रु फाइव प्राइम बुझेगा माने ए स्ट्रैंड रो एक्जाक्टली अपोजिट थिबो ये तो माने कॉम्प्लीमेंटरी कौन कहले ताको दे आर सॉरी दे आर एंटी पैरेलल्स माने कौन कहले ए दुटा स्ट्रैंड होची एंटी पैरेलल तो कॉम्प्लीमेंटरी मध्ये जरा कि मु कहबी पर जतबेले आमे बेस पेयरिंग रूल कथा कहबी जतबेले कहबी ओके तो नेक्स्ट कौन देखो द सुगर फास्फेट रिमेन आउटसाइड तो ये जो स्ट्रक्चर ते तैयारी हबो यार सुगर फास्फेट आउटसाइड होजी एटा जो देखो ना सी जी टी ए लिखाई छि एटा होजी कोन नाइट्रोजिनस बेसिस सी माने कोन साइटोसाइन जी माने गुआनाइन ओके तो देखो ये होजी गुआनाइन ये होजी साइटोसाइन ये थायमिन ये एडेनाइन तो कौन कहते नेक्स्ट से कौन कहले देखो ये जो हेलिक्स तैयारी हो आर आउटसाइड रोचे किए सुगर एंड फास्फेट एंड जो कोर तैयारी हो जो कोर तैयारी हो किए तैयारी कर नाइट्रोजनस बेसिस पर खाली बेसिस ओके देन कौन कहले देखो द टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन तो आमर कौन जीटा हूँ आमर प्यूरिन टा सी हूँ पाइरिमिडिन तो कौटे प्यूरिन आ कौटे पाइरिमिडिन बट दीटा प्यूरिन कि दीटा पाइरिमिडिन लिंक हेबे नाही गोटे प्यूरिन सहित गोटे पाइरिमिडिन ही लिंक हबो लिंक है कि ये दीटा स्ट्रैंड जॉइन हेबे बाय हाइड्रोजन बॉन्ड तो तापरे ऑब्वियसली क्वेश्चन आसतब ये जो बॉन्ड पेयर हेबे तार किसी रूल अच्छे ना एमती जो मन इच्छा पेयरिंग हेबे तापाई मध्य रूल अच्छे से रूल को आमे कौन कहले बेस पेयरिंग रूल कौन था ना बेस पेयरिंग रूल से कौन कहे ना एडेनाइन टा सब बड़े पेयर कह सहित कर थायमिन सहित एंड केतेटा हाइड्रोजन बॉन्ड रे पेयर कर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड दीटा हाइड्रोजन बॉन्ड रे एडेनाइन पेयर करे विथ थायमिन बट आमर जो गुआनाइन टा अच्छे साइटोसाइन सहित तीन टा हाइड्रोजन बॉन्ड रे पेयर कर अर्थ कौन ये दुटा जो स्ट्रैंड टा अच्छा दुटा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जो अच्छा ये दुटा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड कौन करेंगे ना गोटे स्ट्रैंड आ गोटे स्ट्रैंड सहित जोड़ी हे बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड तार टू कंडीशन कौन एडेनाइन जदि पेयर हुए थायमिन सहित दुटा हाइड्रोजन बॉन्ड रे जोड़ी हे आदि गुआनाइन टा साइटोसाइन सहित पेयर हुए तो तीन टा हाइड्रोजन बॉन्ड रे लिंक हम बुझीगला नेक्स्ट तो नेक्स्ट कौन कहले दस द स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंटरी ओब्वियसली जदि आम गोटे स्ट्रैंड जाने तो आर स्ट्रैंड जानपर कहीं जदि एपटे साइटोसाइन अच्छे सेपटे गुआन अच्छे गुआनाइन ही थी एपटे थायमिन अच्छे सेपटे एडेनाइन ही थी तो अल्टीमेटली आम गोटे स्ट्रैंड रो सिक्वेंस जदि जानीगले तो आर स्ट्रैंड टाक आम प्रेडिक्ट करपर ओके नेक्स्ट हूँ कौन देख रेशियो ऑफ ए प्लस जी एंड टी प्लस सी मान जदि एडेनाइन आउ गुआनाइन रो मैंने सम हम आदि आमर टी आउ थायमिन आउ साइटोसाइन रो जदि सम हम तो ये दुटार जो रेशियोटा कन्स्टांट थाए फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीस बुझेगा तो नेक्स्ट देखो कौन कहले ना यार जो डीएनए टा तैयारी होछ ना यार डायमीटर टा केते थाए 20 आर्मस्ट्रांग केते थाए 20 आर्मस्ट्रांग बा नैनोमीटर रे कहले 2 नैनोमीटर थाए ओके एंड जो ये जो हेलिक्स तैयारी होछ ये जो हेलिक्स तैयारी होती मैंने जो टर्न तैयारी होती ये जो एतिकु ये भितर आम कतटा बेस रोज दसटा नाइट्रोजेनस बेसिस रोज बुझेगा मैंने देख वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन ये भितर कतटा रोज दसटा नाइट्रोजेनस बेस मैंने बेस पेयर रही पार गोटे पर हेलिक्स ए पर हेलिक्स कत दसटा बेस रहा बेस पेयर रहा तो ये पर हेलिक्स लेंथटा हूँ 34 आर्मस्ट्रांग तो मत कह ये दुटा नाइट्रोजेनस बेस पेयर अच्छे मैंने ये दुटा भितर सपोज ये देख क्लीयरली जमापड़ी ये हूँ साइटोसाइन गुआनाइन थायमिन एडेनाइन ये दुटा भितर डिस्टेंसटा के हम जदि ये हेलिक्सटा आमर है 34 एंड ये कतटा बेस पेयर था दसटा तो दुटा भितर गैपटा कौन हम 34 डिवाइडेड बाय 10 तो ये 3.4 आर्मस्ट्रांग जोटा कि आम अच्छे बुझेगा नेक्स्ट से कौन कहले ये जो टर्न हम हेलिक्स तैयारी हम आईने गोटे
शालो ग्रुप तैयारी हेबो आ गोटे हमर डीप ग्रुप तैयारी हेबो तो एटा होचे हमर देखो ए जो एटा होचे शालो ग्रुप एटा होचे डीप ग्रुप ताको हम कोचे माइनर ग्रुप आको कोचे मेजर ग्रुप बुझेला सो एटा होचे कोन वॉटसन क्रिक करो मेन पोस्टुलेट्स किंतु डीएनए स्ट्रैंड रहबो तो इंपोर्टेंट कोन ना डीएनए होचे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए डबल हेलिक्स कोचे हमें सेति हाँ ना डीएनए रो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर राइट हैंडेड मोड रे से टर्न करे एंड दुटा स्ट्रैंड एंटी पैरेलल दुटा स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर जदी गोटे 3' to 5' to 3' हेले आरटा 3' to 5' हबो के काहे के होची ना हम जो राइबोज सुगर लिंक करूने की तो राइबोज सुगर रो थर्ड कार्बन और फाइव कार्बन ही पार्टिसिपेट करचें दी लिंकिंग रे तो गुजुटे यार जदी 5' टा ऊपर को रहे तने 3' टा ऊपर को रहइबो बुझे मैंने एंटी पैरेलल एंड बेस पेयरिंग रोल टा इम्पोर्टेंट एडिनाइन टा ऑलवेज पेयर करिबो विथ थायमिन एंड गुआनाइन टा ऑलवेज पेयर करिबो विथ साइटोसाइन एंड आमर कौन एडिनाइन आउ थायमिन टा दुटा हाइड्रोजन बॉन्ड रे लिंक हेबे गुआनाइन आउ साइटोसाइन टा तीनटा हाइड्रोजन बॉन्ड रे लिंक हेबे ओके एटा हे गेला स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो नेक्स्ट टाइम में देखिबा कौन स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए आज वीडियो रे हमें कौन डिस्कशन करले फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड कौन न्यूक्लिक एसिड रो कंपोनेंट्स कौन कौन एंड न्यूक्लिक एसिड टाइप्स कौन कौन एंड डीएनए आरएनए रो फंक्शन मध्ये कहली आज हमें मैंने इलाबोरेटली बुझिले ना वॉटसन क्रिक मॉडल जो थिला तांकर कौन कौन पोस्टुलेट्स थिला मैंने केमिति से कौन कौन कहिथिले डीएनए स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर केमिति से प्रेजेंट करथिले हां ना तो नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा कौन ना आरएनए रो स्ट्रक्चर कौन माने अमर जो आरएनए टा आछे से मध्ये सेम न्यूक्लियोटाइड रो तयारी हेथिबो हां कि नै तो डीएनए जिमते डबल स्टैंडर्ड आरएनए होचे अमर सिंगल स्टैंडर्ड तो तथापि तारा हमें जो स्ट्रक्चर छै अकॉर्डिंग टू अमर सिलेबस टीआरएनए बट ट्रांसफर आरएनए रो स्ट्रक्चर टा हमें डिटेलली पढिबा आ मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर आरएनए ए तीनटा भीतर डिफरेंस कौन मध्ये हमें बुझिबा ता संगे आउ गुड जिनसे कौन देखिबा हमें नेक्स्ट वीडियो रे एटा मध्ये बुझिबा जे डीएनए पैकेजिंग किमिति होचे डीएनए पैकेजिंग माने ए जे हमें पढिले डबल स्टैंडर्ड डीएनए अछि हमरा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करूची ये एक्जेक्टली एमिति नथाय न्यूक्लियस रे हां ना हां माने रखो न्यूक्लियस रे डीएनए मिले ता छोडा आउ दिटा ऑर्गेनेल मध्ये अछि जेउटे देखिया पा मिले गोटे होची क्लोरोप्लास्ट इन केस ऑफ प्लांट्स एंड आ गोटे होची माइटोकॉन्ड्रिया जहार निजर ओन डीएनए थाए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बुझियोची तो आमे देखिबा कोन ए जो डीएनए टा केमिति पैक हे के थाउची इन द न्यूक्लियस माने देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो डीएनए केमिति से पुनी प्रोटीन से त एसोसिएट होची प्रोटीन से त एसोसिएट हे की से कोन तै करची क्रोमैटिन फाइबर तैयारी करची क्रोमैटिन फाइबर टा अगेन क्रोमोसोम होची ए सब विषय आमे नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कशन करिवा ओके तो जदी वीडियो भल लागिला लाइक कर देबो एंड जिते बेले न्यू वीडियो अपलोड होची तार नोटिफिकेशन पाइया पई बेल आइकन प्रेस कर देबो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देबो जदी नुवा आछो एंड तुम फ्रेंड मानन को शेयर करो ताकि समस्त यारो बेनिफिट पाई परिबे ओके थैंक यू।